तो जो मैंने कल वीडियो बनाया था ऑक्सीजन जनरेटर के बारे में, उसके अंदर आपके कई सारे सवाल है जिसको मैं आपको कमेंट के अंदर नहीं दे सकता था। तो उसके लिए यार मैंने आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिए और मैं आपको एक एक करके उन सबके जवाब देने वाला हूँ। तो यार एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको एसी यूज़ करनी है डीसी, मतलब एसी वोल्टेज यूज़ करनी है डीसी वोल्टेज, इसको करने के लिए। तो अगर आपने नाइन्थ के अंदर केमिकल रिएक्शन पढ़ी होगी, जो कि आपने बिल्कुल पढ़ी होगी, तो उसके अंदर अपन जब एनोड पे लगाते हैं अपन, तो उसके ऊपर एनोड के वजह से पॉजिटिव करंट जाना चाहिए, क्योंकि एक साइड में करंट फ्लो होना चाहिए। और एसी के अंदर क्या होता है, मतलब डुमचिक होता रहता है, कभी इधर से आता कभी उधर से आता, कभी इधर से आता कभी उधर से आता। तो एक टाइम पे उधर से ऑक्सीजन निकलेगी, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ऐसे पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। आपको एसी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, आपको डीसी यूज़ करनी है। अब डीसी के अंदर आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बैटरी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कार की बैटरी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आती है पावर अडैप्टर्स की बात। तो कुछ बंदे पूछ रहे कि 12 वोल्ट 0.5 एम्पे का पावर अडैप्टर अपन यूज़ कर सकते क्या? तो नहीं यार, इस सर्किट को थोड़ा सा ज़्यादा की ज़रूरत है, इसको कम से कम 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर की ज़रूरत है। और अगर आपको इसको स्केल अप करना ऑक्सीजन को, तो आप 24 वोल्ट का अडैप्टर भी लगा सकते हैं। फिर निकलती है बात हाइड्रोजन गैस। तो हाँ यार, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलती है? जो बाल्टी का पूरा आउटर सर्कल है, वहाँ से दूसरी रिएक्शन पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बेसिक केमिकल रिएक्शन है। एक तरफ से ऑक्सीजन निकलेगी, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आपको इसको पूरा वेल, मतलब पूरे खिड़कियाँ खोल वगैरह के इसको इस्तेमाल करना है। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि नॉट एनफ ऑक्सीजन, और कुछ कह रहे इससे एकदम आप ऑक्सीजन खरीद लीजिए, ये फालतू की चीज़ है। तो यार ऐसे टाइम के अंदर जहाँ पे पूरे देश के अंदर महामारी चल रही है ऑक्सीजन की, वैसे एक सिलेंडर आता है 5,000 रुपये का, और अगर आप अभी 50,000 रुपये भी देंगे तो आपको यार ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऐसी ऐसी हालत हो रही है अपने देश के अंदर कहीं पे। तो मेरे को मालूम है नॉट एनफ ऑक्सीजन है, मतलब इतनी एनफ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा स्केल अप करते हैं और इसके अंदर से 5 मिनट भी आपके ऑक्सीजन निकलती है, तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। वाटर इक्वल्स टू प्योर, मतलब वाटर प्योर होना चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल इसके अंदर वाटर पूरा प्योर होना चाहिए, नहीं तो क्लोरीन गैस भी निकलेगी साथ साथ में। अब एक क्वेश्चन आता है कितनी देर चलेगी ऑक्सीजन। तो कितनी देर का कैसे बताऊँ, जैसे आपको है ना इसके अंदर NOH ज़्यादा डालना है, पानी ज़्यादा डालना है, ऑक्सीजन उसके हिसाब से चलती जाएगी, और जो वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि ऑक्सीजन कब खत्म हो रही है। तो आप अपने आप पानी डाल दीजिए और फिर से NOH डाल दीजिए। फिर एक क्वेश्चन आता है स्केल अप। तो हाँ, आप इसको पूरा स्केल अप कर सकते हैं, एक छोटी बाल्टी की जगह बड़ी बाल्टी ले सकते हैं, और जो डिब्बा था उसको भी बड़ा ले सकते हैं, ताकि उसके अंदर से ऑक्सीजन की लेवल निकल जाए और इससे काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है अपने पास कि अपन इसको सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं। तो नहीं यार, अपन इसको सिलेंडर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि यार एक इमरजेंसी सप्लाई के अंदर है और आप इसको स्टोर करके यूज़ नहीं कर सकते। ये तो कुआं खोदो और पानी निकालो वाली बात है इसका। तो मैंने इस चीज़ को क्यों बनाया, तो यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब अपन एक बेसिक सी ऑक्सीजन की एक रिएक्शन करेंगे, तो एक साइड से ऑक्सीजन निकलेगी, एक साइड से हाइड्रोजन निकलेगी। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने इसको बनाया, और जब मैंने इसको सूंघा तो पूरी 100% प्योर ऑक्सीजन आ रही थी। तो इसलिए मैंने इसको बनाया, और मैंने इसको इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बनाया। और आपको इसको पूरे वेल-लिट एरिया में, मतलब चलाना है अगर आप घर के अंदर या कमरे के अंदर कर रहे हैं, तो आपको खिड़कियाँ दरवाजे सब खुले रखने, क्योंकि इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। और इसी के अलावा मेरे ख्याल से आपको वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा। तो यार अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना आपके भाई के चैनल को, राहुल को। अब मेरे को मालूम है आप ऐसे सब्सक्राइब नहीं करोगे ऐसे अनजान चैनल को, क्योंकि नहीं करते लोग। तो आप इस चैनल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो देखने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी न्यू इनोवेटिव चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो मेरी एक ही राय आपसे, सब्सक्राइब कर देना, और कोई सवाल हो तो मैं फिर से आपके लिए ऐसा वीडियो बना दूंगा। अगर आपके नए सवाल हुए तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, वैसे बोलता नहीं हूँ लेकिन फिर भी, और बाय।